हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 को देखने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 665 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। तो ये तो आपको दे रखी है लंबाई, ये दे दी है चौड़ाई और ये दे दी है ऊंचाई। और प्लास्टिक के डब्बे के बारे में बात की है, तो इसका मतलब वो है आपके पास घनाभ। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर घनाभ बनाकर दिखा देता हूं। पहले तो ये हमारे पास घनाभ है जिसके बारे में इन्होंने कहा है ये। ठीक है, तो इसमें ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई। तो क्वेश्चन में लंबाई आपको दे दी है, ऊपर मैं फिर से दिखाता हूं। क्वेश्चन 1.5 मीटर लंबा दे रखा है, चौड़ाई जिसको बी बोलते हैं वो दे रखा है 1.25 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 65 सेंटीमीटर। आप देखें, लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में दे रखी है और ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा 100 से डिवाइड करके। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.65 मीटर। तो इस तरीके से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास आ गई। अब इसमें कहा है इसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। आप एक चीज ध्यान रखें, आपको प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब जिस प्लास्टिक से ये बना है। तो जिस प्लास्टिक से ये डब्बा बना है, तो उस प्लास्टिक के यहां पर आपको कितने फेस दिख रहे होंगे? 6, है ना। तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे पहले वाली वीडियो आपको देखना जरूरी है, तभी आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं यहां पर सॉल्यूशन कैसे समझा रहा हूं। देखो, डिब्बे का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच। ये कहां से आया फॉर्मूला? तो मैं बता दूं, इस एल बी और इस एल बी का मतलब है कि ये रहा एल बी, मतलब जो फर्श है उसका क्षेत्रफल, दूसरा एल बी है जो छत है उसका क्षेत्रफल। ये बी एच और ये बी एच का मतलब क्या है? ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है ये वाली, इसका क्षेत्रफल, और दूसरे बी एच का मतलब है ये वाली जो दीवार आपको दिखाई दे रही है इसका क्षेत्रफल। एल एच और एल एच का मतलब क्या है? ये आगे की तरफ जो आपको दीवार दिखाई दे रही है उसका क्षेत्रफल, और इस एल एच का मतलब है जो पीछे की तरफ आपको दीवार दिखाई दे रही है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि इस डब्बे का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ऊपर से ये खुला है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा है ही नहीं, मतलब इसका छत वाला हिस्सा तो है ही नहीं। तो छत वाले हिस्से का क्षेत्रफल को हमने क्या बताया गया है? एल बी ना। तो इस फॉर्मूले से एक एल बी तो आप हटा दो, हटा दिया, तो बाकी जो बचा आपको वो निकालना है, वही इस क्वेश्चन में कहा है। तो बाकी क्या बचा? एल बी प्लस 2 BH प्लस 2 LH। तो जो जो चीज दे रखी है उसका मान रख लेते हैं। एल हमें दे रखा है 1.5, है ना, 1.5 ही दे रखा है, देख लेते हैं। हाँ, 1.5। बी दे रखा है 1.25 प्लस, ये है 2 मल्टीप्लाई बी दे रखा है 1.25, एच दे रखा है 0.65 प्लस, ये है 2 2 मल्टीप्लाई एल दे रखा है हमें 1.5 और एच दे रखा है हमें 0.65। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो 1.5 को अगर 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1.875। आप भी अपनी तरफ से करके देखेंगे, 2 को 1.25 देन 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.625 प्लस
2 को 1.5 देन 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.95। और अब इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे यहां पर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.45 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट था डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल वो हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इस शीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। मतलब कि अगर इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर जो शीट है शीट का मूल्य, ठीक है, मूल्य कितना है 20 रुपए, तो ये जो पूरा डब्बा है कितने कितनी शीट से बना है, 5.45 मीटर स्क्वायर शीट से बना है। तो हम लिखेंगे 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कैसे निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य होगा, 5.45 को आपको 20 रुपए से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 109 रुपए। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।